काम घर गई। चलिए आज का जो विषय लेकर के हम आए हैं, इसके पहले मैंने बताया था फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन, तीनों को मैंने सही ढंग से बताया था। आज का जो विषय लेकर के आए हैं और वह विषय है कैरेक्टर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा की विशेषता। अब जानिए औपचारिक शिक्षा की क्या विशेषता है, इसके क्या गुण हैं और इसके क्या दोष हैं। तो इसके गुण और दोष अगले क्लास में बताएंगे, आज सिर्फ और सिर्फ हम चर्चा करेंगे कैरेक्टर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा की विशेषता पर। लाभ गुण आगे की क्लास में होगी। तो भाई देखो, मैंने कहा था कि जो औपचारिक शिक्षा है वह सुनियोजित होता है, फिक्स होता है और वह जो है पास करने के लिए पढ़ाई किया जाता है। तो सुनियोजित यह औपचारिक शिक्षा सुनियोजित और व्यवस्थित है, कृत्रिम जटिल तथा अप्राकृतिक है। यह प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है, जटिल है। यह शिक्षा स्कूल विद्यालयों में पढ़ाई जाती है। यह एक सुनिश्चित पाठ्यक्रम है। सुनिश्चित पाठ्यक्रम का मतलब है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वह औपचारिक शिक्षा का परिणाम है। क्यों? इसका प्रमाण इसलिए है क्योंकि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें एक सिलेबस है, एक रूटीन है, उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है और एक टाइम टेबल भी आपकी परीक्षा उस पर होगी, उस समय पे आपकी परीक्षा ली जाएगी और इसका मुख्य उद्देश्य होता है परीक्षा पास करना। तो पहला क्या है भाई, औपचारिक शिक्षा सुनियोजित है, व्यवस्थित है, कृत्रिम जटिल अप्राकृतिक है, यह विद्यालयों में पढ़ाया जाता है और यह एक सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम है। यह अत्यंत प्रयत्न और परिश्रम चाहते है यानी यह शिक्षा बहुत प्रयत्न परिश्रम चाहते हैं क्योंकि आपको बाद में इसके बाद परीक्षा ली जाएगी। यह जीवन पर्यंत चलने वाला नहीं है। यह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा होती है ना, वह क्या है कि बस पढ़ाई के लिए पास कर गए, जय हिंद जय भारत, हो गया, किताब को फेंक दो, नहीं। इसे कहते हैं औपचारिक शिक्षा। सिर्फ परीक्षा पास करने का उद्देश्य होता है औपचारिक शिक्षा। कैसे परीक्षा पास करना है, इसके बाद क्या है कि इसमें एक निश्चित विषय वस्तु की ज्ञान होता है। ऐसा नहीं कि आपको होम स्पेशल एजुकेशन में आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, साइंस थीटा कोस थीटा भी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा, ऐसा है नहीं। तो क्या है, इसमें एक फिक्स विषय का ज्ञान होता है, सभी विषयों की ज्ञान नहीं दी जाती है। IAS है उसमें सभी विषयों का ज्ञान कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा दिया जाता है। तो वह औपचारिक शिक्षा नहीं होती है, वह अनौपचारिक शिक्षा होती है। और यह शिक्षा क्या है, औपचारिक है, खास ठोस विषय वस्तु को लेकर के पढ़ाया जाता है और यह शिक्षा केंद्रित होती है। क्या केंद्रित होता है कि हमको इस कोर्स का डिप्लोमा लेना है, सर्टिफिकेट लेना है, डिग्री लेना है, आठवां मैट्रिक पास करना है, कहलाना है कि हम IAS पास है, मैट्रिक पास है, BA पास है, आठवां पास है। यह एक नियम के अधीन होता है। किसके अधीन होता है, सरकार के नियम और कानून के अधीन होता है। जो पढ़ाई आप कर रहे हैं हमारा RCI के अधीन है। आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं यह पढ़ाई आपका मूल रूप में ना औपचारिक है। मैं तीनों को ढंग से बताया हूँ, औपचारिक, अनौपचारिक, अनिर औपचारिक को दो दिन पहले क्लास में बताया था। तो हमारा आज का जो कैरेक्टर्स ऑफ औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन है समाप्त होता है। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में इसके गुण और इसके दोष के बारे में हम बताएंगे। तब तक नमस्ते।